नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा के विवादित बयानों का अब सिलसिला लगातार चल रहा है। असंवेदनशीलता की सभी हदों को पार करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने दिवंगत कांग्रेस नेता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। साक्षी साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि मुझे जिंदा जलाने वाले खुद भगवान को प्यारे हो गए। साध्वी प्रज्ञा ने पूर्व कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के बारे में विवादित बयानबाजी की है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे जिंदा जलाने वाले खुद 2 महीने में भगवान को प्यारे हो गए। साध्वी प्रज्ञा ने आगे कहा कि कोई मुझे ढोंगी माने या इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के कहने से मैं ढोंगी नहीं हो जाऊंगी। वहीं इस बीच साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री PCC शर्मा को लेकर भी खूब खरी खोटी सुनाई। अपने शीशे को साफ करवा लो, जरा सुबह सुबह देख लिया करो, एक शर्मा करके यहाँ कोई विधायक है, अरे बुढ़ापा आ गया उसका, लेकिन सच बोलना अभी तक नहीं सीखा। मैं कहती हूँ बुढ़ापे में तो आदमी सुधर जाए, और ब्राह्मण कुल में यदि उसने जन्म ले लिया है तो ब्राह्मण बने रहो, रावण मत बनो, और रावण बनोगे तो क्या करेंगे प्रभु राम जी, मजबूरी हो जाएगी, महिला का अनादर करोगे, अपमान करोगे, सीता मैया को लाने के लिए प्रभु राम जी को उस रावण का वध करना ही पड़ेगा। इसलिए न्याय नारी शक्ति को मिलेगा, ये तुम्हारे प्रपंच करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम प्रपंच करके थोड़े देर की सांसों दिखा लोगे, पर यथार्थ ये होता है कि जो जो जस कर रही तो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, ये सुनिश्चित है। और इसलिए कह रहे हैं सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं तो नारी शक्ति का अपमान करने के और नारी शक्ति को बदनाम करने के लिए तुम्हें दंड कुदरत ही देगी, ये प्रकृति ही देगी, जीने लायक नहीं छोड़ेगी। और साधु संन्यासी तो कभी मरते ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना अपने को मार भी देते हैं, जला भी देते हैं, पिंडदान भी कर देते हैं, तर्पण भी कर देते हैं, इस लोक में उनका कुछ भी नहीं रहता, नाते रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, परंतु अगर कुछ रहता है तो राष्ट्र का ऋण रहता है जो आत्मा पर रहता है, और उसको पूरा करने के लिए इस शरीर को सुरक्षित रखना पड़ता है। इसलिए कोई हमें मार दे और खुश हो जाए कि हमने इनको मार दिया तो कभी कल्पना नहीं करना, हम तो मरकर भी आएंगे तुम्हारी मैयत में, तुम्हें तो हम कब्र में भी महफूज ना रहने देंगे। जीना है तो औलाद बनकर, वरना यहां मरने भी लगेंगे। मैं एक ही बात कहूंगी कि नर्मदा मैया का हम कभी अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि नर्मदा मैया की लहरों में स्नान करके हम सन्यासी और वैरागी होते हैं, हम वैराग्य धारण करते हैं, गंगा मैया के किनारे तपस्या करते हैं, गंगा मैया के किनारे तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो तपस्या करते हैं वो इस समाज में बांट दिया करते हैं, वो भी अपने पास इसलिए नहीं रखते क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। कुछ कोई भी रेसी, पता नहीं कौन कौन से रेसी कहने लगते हैं कि वो तो सन्यासी नहीं है, हमसे बड़े दुखी हैं कि ये सन्यासी क्यों है, तो मैं कहती हूं कि तुम्हारे मानने से मैं सन्यासी बन जाऊं तो मुझे लगता है कोई उचित बात नहीं है, तुम्हारे मानने से मैं सन्यासी नहीं रहूं वो भी कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि सन्यासी तो सन्यासी होता है, इदम राष्ट्राय इदम नमः, ये देश का है और ये मेरा नहीं है, इसलिए मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं सन्यासी हूं या नहीं, अरे ये कुकर्मियों को बताने की जरूरत नहीं है, हमें कुकर्मियों को प्रमाणित करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम पुतला क्या जलाओगे, एक किसी रेसी ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह जिन आएंगी तो हम उनका पुतला नहीं उन्हें जिंदा ही जला देंगे, ये
एक दो महीना बीते होंगे, भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैं कहती हूँ कि काय के लिए ऐसा काम करते हो कि आप आपके लोग आपके स्वजन दुखी हो जाए। मत करो ऐसे काम, बार बार रोकती हूँ। अरे शाप